चलिए आगे बात करेंगे सीधी की, जहां सीधी जिले के मझौली जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहजनाह की, जी हां बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्राम पंचायत सहजनाह के फल उद्यान को लेकर यहां पर भारी भ्रष्टाचार की बात सामने लाया गया। जी हां बता दें, लोक जन कल्याण समिति के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात सामने लाया गया, इससे मझौली जनपद में शिकायत भी दर्ज कराया गया। मझौली जनपद के आला अधिकारियों ने जांच टीम गठित कर जब ग्राम पंचायत में फल उद्यान को लेकर जांच कराया तो जांच में सब कुछ सही पाया गया ही नहीं, जांच टीम के द्वारा शिकायतकर्ता व पंचायत कर्मियों को एकत्रित कर यहां पर सवाल किया गया। तो देखिए किस प्रकार से शिकायतकर्ता व पंचायत कर्मियों का क्या है जवाब। जी जी तो का अपना सुरेंद्र साहू जी को फोन लगा कि ये बताएं इनके हमका सरपंच पति द्वारा राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी के दबाव बनाया गया, ये डारे हैं जीपी से यहाँ में डारे हैं ओकर हम पूछी लाग हैं का अपना से दबाव डार के सरपंच पति राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा कहा गया है कि चंद्रमा आपके आप फर्जी मास्टर चलाओ, आपके ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं, ये बोला गया कि आप इतना आप हमें बता दिए। जो लेबर का नाम दिए उनके हम मस्टर निकाल दिए ना, हमारी इससे बात हुई ना राजेंद्र त्रिपाठी से बात। अच्छा ये जबरदस्ती आपको आपके बारे में ऐसा उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र भाई आपने आपको ये फोन लगाए थे, सेक्रेटरी जी फोन लगाए थे इनकर मास्टर। अच्छा तो फिर इन्होंने बताया कि हमारे ऊपर सरपंच पति राजेंद्र प्रसाद द्वारा हमारे ऊपर दबाव बना के बोला गया है, तो ये तो नहीं तो बता रहे हैं, सर भी बैठे हैं, सर लोग भी बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं। अच्छा तो वो अंदर उनके उनके अंदर कोई गया था, तो फर्जी आप क्यों लिख रहे हैं भाई, किसी किसी की बदनामी क्यों आप कर रहे हैं बता दीजिए आप ना। इन्होंने बताया कि रामपाल इंद्रपाल के एक भी पेड़ नहीं था वहाँ पे, दो कम से कम 150 पेड़ पाए गए साहब। आप देखे ना चंदमन सेक्रेटरी जी द्वारा बताया जा रहा है कि सरपंच पति राजेंद्र प्रसाद द्वारा फोन नहीं लगाया गया, इन्होंने जबरदस्ती ये कर किया है।